वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हेड बनाना। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, कुल हमारे पास जो है यहाँ पे 10 टाइप्स के हेड हैं और इन्हें हम बनाना यहाँ पे सीखेंगे और एक एक हेड को हम विथ डायमेंशन हम लोग ड्रा करना यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्नैप और कप हेड से। तो इसे हमने बड़े में लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर है, यहाँ पर स्नैप और कप हेड बोलते हैं इसे। इसमें आप देख पा रहे होंगे सबकी डायमेंशन यहाँ पे सो है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी डायमेंशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका डायमेंशन रखेंगे, उसके बाद से किस तरीके से इसको ड्रा करेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो सैक है, सैक का जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है। तो यहाँ पर कोई भी डायमेंशन दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर हम लोग डायमेंशन मान लेंगे कि मान लिया कि स्मॉल डी की वैल्यू हम लोग 20 mm रखते हैं, 20 mm ले लेते हैं। तो जब 20 mm ले लेंगे तब देखेंगे तो स्मॉल डी की वैल्यू 20 हो गई। उसके बाद 1.6 डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 32 mm हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इसके बाद से 0.7 डी की वैल्यू जो आएगी वो 14 mm आएगी। इसके बाद से डी बाई एट का मतलब हो जाएगा 20/8 और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2.5 mm, ठीक है। और आर हमारा जब हम इसको ड्रा करेंगे तो अपने आप निकल करके आ जाएगा। तो हम इसे ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। सारी वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ पर देखेंगे सारी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग इसको ड्रा करेंगे। ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे सेंटर इसका। जैसे देखेंगे यहाँ पर इसका जो है इसका सेंटर लाइन खींचा गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर लाइन खींच लेंगे। ये हमने सेंटर लाइन ड्रा कर लिया। इसके बाद देखेंगे सैक की लंबाई जो है हम अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। बस इसका डायमीटर हमको जो हमने मान रखा है वो रखना है। 20 माना है तो 20 रखना है। सबसे पहले हम ऊपर वाले हेड को बनाते हैं, सैक को हम लास्ट में खींच लेंगे। हम देख रहे हैं 1.6 डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, उसका मतलब कि 32 है, यानी सेंटर से 16 इधर और 16 इधर, इस तरीके से ये बनेगा। तो हम लोग भी क्या करते हैं, इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे कि 16 mm इधर और ये 16 mm इधर हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ से 32 है तो यहाँ से और यहाँ तक का ये 32 का डिस्टेंस हो गया। और इसे हम कुछ इस तरीके से खींच देंगे। ये हो गया। अब देखेंगे इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक वो है 0.7 डी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 14 mm, 14 mm की है। हम यहाँ से इसको 14 mm मेजर करके 14 mm जो है 14 mm इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 14 mm आएगा। इसके बाद देखेंगे तो हमको सैक बनाना है जिसकी डायमीटर 20 है। तो 10 सेंटर से 10 इधर और 10 इधर लेंगे इसको। 10 यहाँ तक आएगा और ये 10 यहाँ तक आएगा। और सैक की लंबाई हम अपने आवश्यकता के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ तक 10 या फिर यहाँ तक 10। अब इसे हम मिला लेंगे वटकरी यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से ये यहाँ तक। ये हो गया। और इसको हम फ्री हैंड जो है जल्दी इसको बना लेंगे। ये बन गया। अब रह गया है हमको ये कर्व बनाना। कर्व बनाने के लिए देखेंगे यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ ऊपर से यहाँ तक की दूरी जो है D/8 है, जिसकी वैल्यू 2.55 हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.5 यहाँ से मेजर कर लेंगे और यहाँ से लेकर के हमको आर्क लगाना है। हम लोग कंपास लेंगे और यहाँ रखेंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए देखेंगे कि देखिए डिस गड़बड़ कहाँ से होगी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 16 mm है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारा 14 mm है। तो इसका सेंटर जो है मिलन थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा दूरी लेकर के इधर एक आर्क लगाएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ आर्क लगाएंगे। तो ये सही हमको पॉइंट इसी लाइन पे मिल जाएगा जो कि ये है। और यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से ये इसको इस तरीके से मिल करके बन जाएगा। सेम ऐसे ही बना हुआ है। अब इसमें जिस तरीके से यहाँ डायमेंशन शो है, इसी प्रकार से हम इसमें भी डायमेंशन शो कर देंगे। तो डायमेंशन शो कर लेते हैं और ये हमारा इजली जो है
ड्रा हो गया। एग्जाम में जब आएगा तो इस तरीके से आएगा, ड्रा एनी थ्री टाइप और फोर टाइप और फाइव टाइप रिवेट हेडेड। अगर कहेगा एनी तो जो भी आपको याद रहेगा वो बना दीजिएगा। अगर बाई नेम पूछेगा तो आपको जो नाम लेके जिसका नाम लेके पूछेगा तब आपको वही बनाना होगा। वैसे अभी तक एग्ज़ाम में एनी बोल देता है, मतलब कोई भी आप ड्रा करें तो आपको जो है कम से कम जो है यहाँ पे 6 to 7 रिवीट आप याद कर लीजिए, जिससे हम इजीली इसको बना सकेंगे। लेकिन जब नाम से पूछेगा तो आपको जो है पूरा 10 आपको याद करना पड़ेगा जो आपके बुक में दिया गया है। ये हमारा आर हो गया। इसके बाद से हम शो करेंगे ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारी कितनी थी, ये हमारा आया था 0.7। हमको डी के फॉर्म में ही डायमेंशन को शो करना है। जो वैल्यू हमने निकाल रखा है उसको साइड में दिखा देंगे, लेकिन हम यहाँ पर डायमेंशन जो शो करेंगे वो डी के फॉर्म में ही शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ के डायमेंशन दिखा देते हैं, ये हमारी डी है यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया था। इसको पूरा ही खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरीके से स्मॉल डी। इसका क्या नाम है, इसका नाम है स्नैप और कप हेड, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। एग्जाम में ये वाला इमेज नहीं रहेगा, ये आपको याद करके जाना है, इस तरीके से बना करके आना है, ओके। आप इसको बनाने की कोशिश करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट रिवेट हेड, ओके। थैंक यू।